गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे आप सभी, आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोड के साथ, जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगा। तो आज का हमारा कोड क्या है कि जीतने का असली मज़ा तो तब आता है जब लोग आपके हारने का इंतजार कर रहे हो। मज़ा तो तभी आता है ना जब लोगों को लगे कि अब गिरा और हम ऊपर उठते चले जाएं, है ना। मज़ा तो तभी आता है। तो मोटिवेशनल कोड क्या है आज का हमारा कि जीतने का असली मज़ा तो तब है कि जब लोग आपके हारने का इंतज़ार कर रहे हो। जब हर कोई आपके हारने का इंतज़ार कर रहा हो तब जीत का मज़ा कुछ और ही होता है। कहते हैं ना कि वही इंसान रिकॉर्ड तोड़ता है जिसकी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, जिसमें कुछ करने की जिद हो, कुछ करने का हौसला हो, वही इंसान रिकॉर्ड तोड़ता है। तो आज का मोटिवेशनल कोड हमारा क्या है कि वही इंसान रिकॉर्ड तोड़ता है जिसके रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, और जिसे कुछ करने की जिद बना ली, जिसने कुछ पाने लक्ष्य को प्राप्त करने का जिसके अंदर जुनून आ गया, वो एक ना एक दिन सफलता को जरूर प्राप्त करेगा और अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेगा। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, जिसमें हम लेके आए हैं वन लाइनर क्वेश्चंस, बायोलॉजी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो 24 तारीख को UP SSC पैट का एग्जाम है उसमें आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो आप क्वेश्चंस का रिवीजन करके जाएंगे, क्वेश्चंस को पढ़ के जाएंगे। सब्जेक्ट तो आपने कंप्लीट कर लिया होगा अपना, जो साइंस के क्वेश्चंस आएंगे वो 5 क्वेश्चंस आएंगे साइंस के, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से। तो हमने आप बायोलॉजी के कुछ चैप्टर्स हैं जो हमारे बचे हुए हैं उसमें से हम उन्हें आगे कंप्लीट करेंगे, लेकिन हमने जो कंप्लीट कर लिए हैं उनके क्वेश्चंस भी मैंने आपको करा दिए हैं, और जो अब बचे हुए हैं उन चैप्टर्स में से भी मैंने क्वेश्चंस उठाए हैं ताकि आप एग्जाम्स में उन्हें सही कर सको। ठीक है, तो आज पहला क्वेश्चन क्या लिखेंगे कि कौन सा पौधा कवक और शैवाल का परस्पर संबंध दर्शाता है, ऐसा कौन सा पौधा है। फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे कौन सा पौधा, मेरे साथ साथ नोट डाउन करते रहेंगे, पेन और कॉपी लेके बैठिए, कौन सा पौधा कवक और शैवाल का परस्पर संबंध दर्शाता है, ऐसा कौन सा पौधा है। तो वो पौधा है लाइकेन। कौन सा पौधा कवक और शैवाल का परस्पर संबंध दर्शाता है, कौन सा पौधा है, पौधे का नाम है लाइकेन। ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, आपको सारे क्वेश्चंस पढ़ के जाने हैं, याद करके जाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पौधे की पत्ती में जड़ पाई जाती है, ऐसा कौन सा पौधा है जिसकी पत्ती में जड़ पाई जाती है। तो क्वेश्चन लिखेंगे सेकंड नंबर, किस पौधे की पत्ती में जड़ पाई जाती है। कौन सा पौधा है, ब्रायोफाइलम पौधे की जो पत्ती होती है उसमें जड़ पाई जाती है। क्वेश्चन आएगा कि किस पौधे की पत्ती में जड़ पाई जाती है, 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से हमें किसे टिक करना है, ब्रायोफाइलम को टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइटोकांड्रिया की संख्या कौन सी पेशियों में सबसे अधिक होती है। माइटोकांड्रिया क्या होता है, कोशिका का पावर हाउस। माइटोकांड्रिया की संख्या किस पेशी में सबसे अधिक होती है। तो ऐसी कौन सी पेशी है जिसमें माइटोकांड्रिया की संख्या सबसे अधिक होती है। हृदय की पेशियों में
माइटोकांड्रिया की संख्या सबसे अधिक होती है? ठीक है, माइटोकांड्रिया की संख्या किस पेशियों में सबसे अधिक होती है? तो किस पेशियों में होती है? हृदय की पेशियों में माइटोकांड्रिया की संख्या सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर पे लिखेंगे कि मानव के मस्तिष्क में स्मरण की क्षमता कहाँ होती है, यानी मेमोरी पावर, यानी याद करने की शक्ति मानव के किस अंग में स्मरण की क्षमता होती है? स्मरण की क्षमता होती है तो कहाँ पे होती है? मैंने आपको जब ब्रेन पढ़ाया था तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया था, मानव के मस्तिष्क में, ठीक है, सब कुछ बताया था। सेरिब्रम मस्तिष्क में कहाँ पे होती है? सेरिब्रम में। सेरिब्रम क्या करता है? जो भी हमारी मेमोरी होती है उनको इकट्ठा करके रखता है सेरिब्रम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अफीम का वास्तविक नाम लिखिए। जो अफीम होती है आपने सुना होगा, अफीम जो जिससे बहुत ज़्यादा नशा होता है, अफीम का वानस्पतिक नाम क्या है? अफीम का वानस्पतिक नाम क्या है? तो अफीम का वानस्पतिक नाम है अम्बालिका अफिसिनोलिस। अम्बालिका अफिसिनोलिस अफीम का वानस्पतिक नाम क्या है? अफीम का वानस्पतिक नाम है अम्बालिका अफिसिनोलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, माइटोकांड्रिया की खोज किसने की थी? जो माइटोकांड्रिया है, माइटोकांड्रिया के खोजकर्ता का नाम है अल्टमैन ने की थी माइटोकांड्रिया की खोज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटी कोशिका कहाँ पे किस में होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटी कोशिका किस में होती है तो सबसे छोटी कोशिका किस में होती है? माइकोप्लाज्मा में सबसे छोटी कोशिका होती है और सबसे बड़ी होती है माइक्रोप्लाज्मा में। और सबसे बड़ी किस में होती है? सबसे छोटी तो होती है माइक्रोप्लाज्मा और सबसे बड़ी मैं डैश कर देती हूँ, कोशिका होती है किस में? शुतुरमुर्ग के अंडे में यानी ऑस्ट्रिच एग में सबसे बड़ी कोशिका होती है ऑस्ट्रिच के अंडे में और सबसे छोटी कोशिका होती है माइक्रोप्लाज्मा में। एक बार इसे रिपीट कर लेते हैं फिर नेक्स्ट चलेंगे। आगे क्वेश्चंस लिखेंगे कि कौन सा पौधा कवक और शैवाल का परस्पर संबंध दर्शाता है? लाइकेन दर्शाता है। किस पौधे की पत्ती में जड़ पाई जाती है? ब्रायोफाइलम पौधा है ऐसा जिसकी पत्ती में जड़ पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि माइटोकांड्रिया की संख्या किस पेशियों में सबसे अधिक होती है? तो हृदय की पेशियों में सबसे अधिक माइटोकांड्रिया की संख्या होती है। मानव के मस्तिष्क में स्मरण की क्षमता कहाँ पे होती है? सेरिब्रम में होती है। अफीम का वानस्पतिक नाम क्या है? अम्बालिका अफिसिनोलिस अफीम का वानस्पतिक नाम है। माइटोकांड्रिया के खोजकर्ता कौन है? अल्टमैन है। सबसे छोटी कोशिका होती है माइक्रोप्लाज्मा में और सबसे बड़ी होती है शुतुरमुर्ग के अंडे में। मैं एक बार साइड हो जाती हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे और आप साथ साथ ही नोट डाउन करते रहिए, ठीक है।
मैं रफ कर देती हूँ, फिर नेक्स्ट लिखेंगे। इन क्वेश्चंस को आपको अच्छे से याद करना है, अच्छे से रिवीजन करना है, ठीक है, और तभी आप एग्जाम में जाएंगे। अपने जितने भी सब्जेक्ट्स हैं हर सब्जेक्ट्स का रिवीजन करना है, ये नहीं कि बायोलॉजी बायोलॉजी पढ़नी है। उसमें जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, हिंदी है, मैथ है, रीजनिंग है, साइंस है, और क्या है उसमें, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, और उसमें है ये हमारा GS है, स्टेटिक GK है, करंट अफेयर है, ठीक है, जितने भी सब्जेक्ट्स है एक बार सबका रिवीजन कर लेंगे और उसके बाद ही हम एग्जाम देने जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे लंबी सबसे बड़ी कोशिका हो गई, अब आती है सबसे लंबी कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे लंबी कोशिका, बड़ी में और लंबी में फ़र्क देखना है। बड़ी होती है ऐसे बड़ी, लंबी होती है ऐसे लंबी, तो सबसे बड़ी और लंबी में कन्फ्यूज नहीं होना। सबसे लंबी कोशिका कहाँ पे होती है? सबसे लंबी कोशिका होती है हमारे न्यूरॉन में, न्यूरॉन सबसे लंबी कोशिका, और न्यूरॉन ही हमारे शरीर का एक ऐसा भाग है जहाँ पे सेल डिवीजन नहीं होता, यानी कोशिका विभाजन नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे कि जो हरा पौधा होता है, हरे पौधे की भित्ति किससे बनी होती है? ये सारे मिक्सअप क्वेश्चन है, ठीक है। हरे पौधे की जो भित्ति होती है, चार दीवारी होती है बाहर की भित्ति, कि वो किससे बनी होती है, किससे बनी होती है तो किससे बनी होती है, वो बनी होती है सेल्यूलोज से बनी होती है हरे पौधे की भित्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया था? जो जीव द्रव्य है, प्रोटोप्लाज्म है, जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया था, उसे नाम किसने दिया था, नामकरण किसने किया था, जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया था, तो किसने किया था, पुरकिंजे ने जीव द्रव्य का नामकरण किया था, जीव द्रव्य को नाम दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था? 11 नंबर पे है, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? स्वान और स्लाइडेन ने दिया था। नोट डाउन करते रहिए साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सेंट्रोसोम किस में पाया जाता है? जो सेंट्रोसोम है उसे हिंदी में क्या बोलते हैं? तारक काव्य। सेंट्रोसोम किस में पाया जाता है? तो किस में पाया जाता है? ये केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। किस में? केवल जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है?
कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, राइबोसोम। और आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है, लाइसोसोम को सुसाइड बैग कहा जाता है, आत्महत्या की थैली कहा जाता है। और प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे कि कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक क्या कौन, यातायात प्रबंधक कौन कहलाता है? कोशिका के अणुओं का, कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक या इसे ट्रैफिक पुलिस भी बोलते हैं, यातायात प्रबंधक कौन है कोशिका के अणुओं का? तो कौन है? गाल्जीकाय यानी गाल्जी बॉडी। गाल्जीकाय क्या करता है? ट्रैफिक पुलिस का काम करता है। ठीक है, हमारे शरीर में ट्रैफिक पुलिस का कार्य कौन करता है? गाल्जी बॉडी करता है, जिसे यातायात प्रबंधक, अणुओं का यातायात प्रबंधक भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे कि पादप की रसोई किसे कहा जाता है? 15 नंबर पे लिखेंगे पादप की रसोई। ये क्वेश्चन सारे इम्पोर्टेंट है। पादप की रसोई किसे कहा जाता है? हरित लवक को पादप की रसोई कहा जाता है, प्लांट्स का किचन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण टमाटर का लाल रंग होता है। मैं साइड हो जाती हूँ, आप लोग नोट डाउन कीजिए, मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ कि सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। सबसे बड़ी कोशिका तो होती है हमारी किसमें? ऑस्ट्रिच एग में, यानी शुतुरमुर्ग के अंडे में। सबसे छोटी कोशिका होती है माइक्रोप्लाज्मा में। सबसे लंबी कोशिका होती है न्यूरॉन में। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कि हरे पौधे की भित्ति किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया था? जीव द्रव्य का नामकरण किया था पुरकुंजे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका का सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था? स्वान और स्लाइडेन ने दिया था। खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है, जीवित कोशिका और मृत कोशिका। ठीक है, जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी मृत कोशिका की खोज। और ये सिद्धांत किसने दिया था? सिद्धांत दिया था स्वान और स्लाइडेन ने। ठीक है, सेंट्रोसोम, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रोसोम किस में पाया जाता है? केवल जंतु कोशिकाओं में सेंट्रोसोम पाया जाता है। नेक्स्ट है कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। सुसाइड बैग या आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक यानी ट्रैफिक पुलिस गाल्जी बॉडी या गाल्जीकाय को कहा जाता है। पादप की रसोई हरित लवक को कहा जाता है। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? लाइको पीन के कारण टमाटर का लाल रंग होता है। ठीक है, और रफ, मैं इसे रफ कर देती हूँ, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। एक दो क्वेश्चंस और देख लेते हैं। 16 हो गए, ये ऊपर का रफ कर देती हूँ मैं, आप तब तक नीचे वाले क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं? मास्टर ग्लैंड कौन सी कही जाती है? 17 नंबर, मास्टर ग्लैंड किस ग्रंथि को कहते हैं? किस
ग्रंथि को कहा जाता है? मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्रंथि जो कहाँ पे होती है? हमारे मस्तिष्क में होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सुपर मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं? सुपर मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड है जो वो हमारी 7 ग्लैंड्स को क्या करती है? सिग्नल देती है। लेकिन जो एक ग्लैंड है हाइपोथैलेमस, जो क्या करती है? वो पिट्यूटरी ग्लैंड को भी सिग्नल देती है, इसलिए उसे क्या बोलते हैं? सुपर मास्टर ग्लैंड, सुपर मास्टर ग्लैंड, सुपर मास्टर ग्लैंड, ठीक है। यहाँ पे मैं डॉट डॉट कर देती हूँ, आप समझ लेना। सुपर मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है? हाइपोथैलेमस को कहा जाता है, हाइपोथैलेमस को कहा जाता है सुपर मास्टर ग्लैंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो ठंडा और गर्म है उसका आभास हमें कौन कराता है? तो किससे पता चलता है ठंडे और गर्म का आभास कौन कराता है? ठंडे और गर्म का आभास कौन कराता है? तो कौन कराता है? थैलेमस कराता है। कौन कराता है? तो कौन कराता है? थैलेमस, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है सबसे छोटी ग्लैंड कौन सी है, सबसे छोटी ग्लैंड, सबसे छोटी ग्लैंड कौन सी है, कौन सी है? तो अगर उसमें आंसर्स में, ऑप्शंस में आपको पिट्यूटरी और पीनियल दोनों है तो आप पीनियल को टिक करेंगे, ठीक है। अगर पीनियल नहीं है, पिट्यूटरी है, ज़्यादातर पिट्यूटरी ही आता है एग्जाम्स में, तो आप पिट्यूटरी को टिक करेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। तो ये 20 क्वेश्चंस हो चुके हैं, आज के लिए इतना ही रखेंगे। एक बार इन्हें रिपीट कर लेते हैं कि मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को, क्योंकि वो हमारी कितनी ग्लैंड पढ़ाई थी मैंने आपको ग्रंथि वाले चैप्टर में? 9 ग्लैंड पढ़ाई थी, जिसमें से जो ब्रेन में होती है वो कितनी होती है? 3 होती है। कौन कौन सी? हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और तीसरी पीनियल, पीनियल काय या पीनियल बॉडी, ठीक है। सुपर इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारी 7 ग्लैंड को सिग्नल देने का कार्य करती है। सिग्नल देना मतलब ये बताना कि किस ग्लैंड को कौन सा हार्मोन निकालना है, कब निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन कि सुपर मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है? तो सुपर मास्टर ग्लैंड हाइपोथैलेमस को कहा जाता है, क्योंकि हाइपोथैलेमस जो मास्टर ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसे भी सिग्नल देने का कार्य करता है। नेक्स्ट है कि ठंडे और गर्म का आभास कौन कराता है? तो थैलेमस कराता है। बाहर मौसम ठंडा है या गर्म है, इसका पता कौन कराएगा हमारे शरीर को? थैलेमस कराएगा। अगर शरीर के अंदर दर्द होता है तो हाइपोथैलेमस कराता है, अगर शरीर के बाहर दर्द होता है तो थैलेमस फील कराता है। नेक्स्ट है कि सबसे छोटी ग्लैंड कौन सी है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है, सबसे छोटी। और कहाँ पे है? ये हमारे मस्तिष्क में है। फटाफट से नोट डाउन कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर और क्वेश्चंस लेके आएंगे, जो हमारे जो परसों यानी जो 24 तारीख में UP SSSC पैट का एग्जाम है उसके लिए हम इन क्वेश्चंस को रिवीजन करके जाएंगे, इन्हें अच्छे से याद करके जाएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखेंगे, और जैसे मैं आपसे डेली बोलती हूँ कि प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए। आपका कुछ नहीं लगता, खाली एक उंगली से टच करना है, कम से कम 10 मिनट तो आप दे ही सकते हैं ना शेयर करने में। पूरे दिन वैसे भी तो आप फ़ोन में लगे रहते हैं चैटिंग करने या वीडियो देखने या कुछ भी ऐसे बेफालतू की चीजें करने, तो 10 मिनट हमारे लिए भी निकाल लीजिए। 10 मिनट के लिए आप अगर अपने दोस्तों को शेयर करते हैं वीडियो को, अपने फ्रेंड्स को बोलते हैं कि प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, अगर एक इंसान 2 लोगों को भी शेयर करता है तो भी वो कितने लोगों तक पहुंच जाती है। लेकिन आपको हमारा सपोर्ट नहीं करना है तो क्या कर सकते हैं? मैं तो आपको फिर भी डेली बोलती हूँ कि प्लीज सपोर्ट कीजिए। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, हम और बेस्ट करने की कोशिश करेंगे, हम टीम लाने की कोशिश करेंगे, डिजिटल बोर्ड लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब आपका सपोर्ट मिलेगा तभी तो,
ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे, फिर कल की क्लास में फिर और क्वेश्चंस लेके आएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।